नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज 24 और मैं हूं नीरज कुमार। और वक्त हो चुका है स्थानीय खबरों का। दिल्ली के प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में ट्रिविजन फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा देशभक्ति गीत नमस्ते इंडिया रिलीज किया गया। इस देशभक्ति गीत की सबसे खास बात यह है कि इसे 16 अलग अलग भाषाओं में एक साथ लॉन्च किया गया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता आशीष कुमार की ये रिपोर्ट। मैं विजय भारद्वाज और कला संस्कृति माध्यम से मैं पिछले 20 साल से काम करते आ रहा हूँ और कई सारे मूवी, हिंदी पिक्चर, फिल्म, टीवी सीरियल, रियलिटी शोज बनाया और हर सब में ही हमारा उद्देश्य होता है कि देश प्रथम है, माँ भारती प्रथम है। तो जो गाना नमस्ते इंडिया बनाया है, इसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज हुआ है, ये गाना एक ऐसा गाना है जो हिंदुस्तान ने पहली बार बनाया, 16 भाषा को रिप्रेजेंट किए, 16 कल्चर को रिप्रेजेंट किए और इस गाना के अंदर ऑर्फन बच्चों, डिफरेंट मूड बच्चों को भी इसमें काम करने का मौका दिया है। मेरा नाम शेष मिश्रा है, मैं अनमोल बिस्किट से और मेरा यही कहना है कि जो गाना विजय भारद्वाज जी ने बनाया है और इसको आज लॉन्च किया गया है, ये देशभक्ति की भावना से भरा हुआ है और ये देशवासियों को सुनना चाहिए इसे और अंदर से मन में देशभक्ति की भावना आनी चाहिए। मेरा नाम ललित बिंदल है, मैं बॉलीवुड एक्टर हूँ, ये मेरा परिचय है। और क्या कहेंगे, जो गाना नमस्ते इंडिया लॉन्च किया गया है, बॉलीवुड से आप जुड़े हुए हैं, पेट्रोटिक गाने बहुत सारे बने हैं, इस गाने में आपको क्या खास नजर आ रहा है, क्या कितना अच्छा लगा? देखिए, ये गाना एक देशभक्ति का है और इसमें बहुत सारी लैंग्वेज, बहुत सारे कल्चर और जितने भी हमारे देश के स्टेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया गया है। मैंने भी इसमें इस गाने में एक्टिंग की है, बंगाली कैरेक्टर को रिप्रेजेंट किया है। तो ये गाना इसलिए सबसे अलग है और बहुत अच्छे मौके पर रिलीज़ हुआ, इंडिपेंडेंस डे पर रिलीज़ हुआ, तो ये बहुत एक खास चीज़ है। नमस्ते इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? नमस्ते इंडिया एक ऐसी पैट्रियट सॉन्ग है जो 16 भाषा में हमारे इस सॉन्ग के जो प्रोड्यूसर हैं विजय भारद्वाज जी ने इसको लॉन्च किया है और मैं इनको सबसे पहले तो इस इंडिपेंडेंस डे के मौके पे जो लॉन्चिंग हुआ और आज जिस तरह से पूरे भारत में, पूरे देश में माहौल बना है भारतीयता इंडिपेंडेंस डे के बारे में, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और यही कामना करता हूँ कि सभी लोगों से अपील भी करता है कि इस नमस्ते इंडिया के गाने को देखें और इस गाने से सीखे भी कि कैसे एक लड़का जो बिहार के औरंगाबाद ज़िले से निकल के जो बिहार की मिट्टी और खुशबू को पूरे भारत में बिखेरने के लिए तैयार हैं, आप इस मिट्टी खुशबू का इस गाने को देख के आनंद लें। सर, इस गाने के बारे में इससे पहले भी बहुत सारे गाने आए हैं और आज नमस्ते इंडिया गाना, पेट्रोटिक गाना भी अभी लॉन्च किया गया और जैसा माहौल है देश में जो सबका धारा हटाई गई है, क्या कहेंगे देशवासियों को? एक बहुत बड़ा मतलब जश्न है देशवासियों के लिए, लेकिन कुछ नेताओं के बयान ऐसे आ रहे हैं जिनको लगता है कि शायद जैसा कि दिक्कत पाकिस्तान को हो रहा है वैसी दिक्कत उन्हें हो रही है। देखिए, जिन लोगों को दिक्कत हो रही है तो उनका भी एक कारण है। 70 साल में जिन्होंने इस धारा 370 के नाम पे सिर्फ अपने आप को बढ़ाया, अपने परिवार को बढ़ाया, जैसे JNK में दो परिवार ऐसा थी कि जो भी भारत से जो पैसे, देश से जो पैसे जाते थे जम्मू का कश्मीर के गवर्नमेंट को, वो अपने अनुसार यूटिलाइज करते थे। वहाँ पे एक छोटा कॉन्ट्रैक्ट भी वही ले सकता था जो उस परिवार से रिलेटेड। पेट्रोटिक गाने बहुत ज़्यादा लॉन्च हुए, लेकिन क्या खासियत? देखो, ये खासियत ऐसा है कि एक तो देशभक्ति गाना है, इसमें जो हमारे विजय भारद्वाज जी ने इसमें जो चुना है, जो एक तो 16 भाषाएं और 16 राज्यों का जो मिश्रण किया हुआ है, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश भी देते हैं। अगर देखा जाए तो भगवान श्री कृष्ण की भी 16 रानियां हैं, हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे विजय भारद्वाज जी उससे प्रेरित हैं क्योंकि वो रानियों से मतलब नहीं था, 16 कलाएं थी एक्चुअल में, जो कि हर एक चीज़ को नेशन के बनाने में भगवान श्री कृष्ण भी एक देशभक्ति, अगर देखा जाए महाभारत भी देखा जाए तो एक देशभक्ति से उसकी तुलना की जाती है। तो इसका जो मिश्रण और प्रयोग किया गया है वो अपने आप में बहुत बेहतरीन है और 15 अगस्त जैसे आने वाला है, नज़दीक है, इसमें हमें लगता है कि ये गाना पूरे हमारे देश के जितने भी नौजवान हैं, जैसे कि 65% आबादी आज हमारी नौयुवक की है, शायद इस गाने से प्रेरणा भी लेंगे और देश के लिए आगे बढ़ेंगे। विजय भारद्वाज जी, जैसे आपने देखा है कि गाँव से निकल के आए हुए हैं, इन्होंने
जितनी मेहनत किया होगा उतना ही कम कहा जाए कि जिस तरीके से इनकी अगर जीवन परिचय को भी देखा जाए और इन्होंने जो सामाजिक काम किया है, जैसे बहुत सारे लोग बता भी रहे थे कि इन्होंने पैसे के लिए नहीं सामाजिकता के लिए काम किया हुआ है, इन्होंने बहुत सारे जो अनाथ बच्चे हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम में किया हुआ है, तो इनका उद्देश्य पैसा कमाना नहीं है, इनका उद्देश्य है कि देश के जो बच्चे हैं उनका भविष्य किस तरीके से उज्जवल किया जाए। इस तरीके से धन्यवाद कि ऐसे कार्यक्रम में शिरकत करने का मौका मिला। विजय भारद्वाज जी जो गीत लेकर आए हैं राष्ट्रभक्ति की, यह देश की वीरता को बताता है और हम उम्मीद करते हैं कि युवाओं के हृदय में यह गीत समाएगा और जो नई राष्ट्र चेतना का जागरण हुआ है उसको और आगे बढ़ाएंगे। मैं आज बहुत खुश हूँ कि विजय भारद्वाज का ये गाना नमस्ते इंडिया लॉन्च हुआ है आज, और ऐसे मौके पे हुआ जब हमारे मोदी जी ने हमारे कश्मीर का तोहफा दिया, और इस गाने की जितनी तारीफ करूँ उतना कम कि 16 भाषाओं का उन्होंने इस्तेमाल किया, 16 स्टेटों पे जाके शूटिंग करी, और मैं सतमोला की तरफ से बहुत खुश हूँ कि मैं इस गाने का हिस्सा हूँ, इस गाने में जुड़ा कंपनी जुड़ी, आगे भी विजय जी जो भी काम करेंगे उसके साथ लोग जुड़ते रहेंगे। मैम आपका क्या कहना है? आई एम रिचि चौधरी, मैं सुपर मॉडल ग्लोब इंडिया 2019 रिसेंटली मैंने एक शो विन किया था जो कि जयपुर में हुआ था सुपर मॉडल ग्लोब। सो आई एम वेरी हैप्पी टू ग्लैड कि ये जो सॉन्ग लॉन्च हुआ है इसमें मुझे बुलाया है सर ने। सो ये 16 लैंग्वेजेस को प्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे, तो आज तक ऐसा कभी हुआ नहीं है इंडिया में कि कोई ऐसा सॉन्ग आया हो जिसने हमने 16 लैंग्वेजेस को शो कराया हो। तो एक 16 लैंग्वेजेस का सॉन्ग है जिसने विजय भारद्वाज जी ने इसको लॉन्च किया है, और मैं बहुत ही खुश हूँ कि मेरे मॉडलिंग फील्ड से हटकर उन्होंने मुझे एक इंडिया के कल्चर को दिखाने के लिए यहाँ पे बुलाया। कितना अच्छा लगता है जब पेट्रोटिक फील्ड में जुड़ते हैं और देशभक्ति के लिए और जैसे काम होते हैं और आप जैसे लोग जुड़ते हैं, कितना अच्छा समाज के काम होते हैं? मुझे तो बहुत अच्छा लगा बिकॉज मैं अपने फील्ड में जब रहती हूँ वहाँ पे तो एक अलग ही कल्चर होता है, और यहाँ पे मैंने 16 कंट्रीज का कल्चर देखा, इस सॉन्ग में प्रेजेंट किया गया 16 कल्चर देखे मैंने। मैं डॉक्टर अशोक शर्मा, मैं वैसे प्रोफेशन से डॉक्टर हूँ बट एज ए मूवी एक्टर भी हूँ, राइटर एसोसिएशन मेंबर मुंबई एंड प्रोड्यूसर एसोसिएशन मुंबई एंड सिंगर ऑल्सो एट मुंबई। आई प्रोड्यूस 2-3 शॉर्ट मूवीज एंड वर्किंग एज एक्टर इन 2 बिग मूवीज प्यार को सलाम एंड गैंग्स ऑफ गुड लॉ। नमस्ते इंडिया गाना जो आज रिलीज हुआ है पेट्रोटिक सॉन्ग में, इसमें आपने काम भी किया, कितना अच्छा मतलब कि आपका एक तरह से अनुभव बताएं थोड़ा सा गाना की? गाना बड़ा देशभक्ति का, लेकिन इसमें इन बच्चों ने इतनी मेहनत करी है बहुत आश्चर्य की बात है। लास्ट ईयर नोएडा में एक स्टूडियो में रिकॉर्ड हुआ था, और वो इसको कभी खेतों में कभी कहाँ कभी बहुत रिश्ते से गाने, मतलब एक फिल्म की शूटिंग नहीं होती, इन्होंने डेस्टिनेशन गाने में बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए। तो ये थी कुछ स्थानीय खबरें, और ऐसे ही खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ में जो नोटिफिकेशन बेल है घंटी है उसे भी दबा दीजिए ताकि देश और दुनिया के तमाम खबरों से आप रह सकें अपडेट।